अरे माँ को खिलाओ भी पहले। जीतता रहे पर देख अब 5 साल निपट गए, अब बहू की गोद भर दे। छोटे को देख कैसे एक सामने खुशखबरी सुना दी। हाँ माँ। छोटा सा ही तो उत्सव था पर फिर भी सब कितने सारे गिफ्ट्स लाए, और आप भी माँ से पहले मुझे केक खिलाने चले। वैसे अच्छा किया पाइनएप्पल केक लाके, माँ वही खाती है। वैसे इस बार हम माँ को बच्चे की खुशी दे पाएंगे ना, पिछले 2 बार से चूक रहे हैं। और मिसकैरेज की भी बात नहीं बताई, बस अब अच्छी रिपोर्ट्स आ जाए और हम माँ को गुड न्यूज़ दे दें। रिपोर्ट्स आ गई हैं मीना, और इस बार भी हम माँ को वो खुशी नहीं दे पाएंगे। हमारे बार बार मिसकैरेज होने की वजह लिखी है इन रिपोर्ट्स में, शायद हमें ही कोई कमी है। इस घर में मेरी जानकारी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो तूने कैसे सोच लिया इतनी बड़ी बात तू मुझसे छुपा लेगी? बैठ बैठ यहाँ। तो अब आगे कैसे करना है? अरे तेरा परिवार है सारा, बहुत उम्मीदें हैं तेरे से, उनका क्या? 5 साल हो गए शादी को, समाज की बातें तो हमें सुननी पड़ती है ना। हम सब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ढाल हैं। समाज और तेरे बीच ढाल बन के खड़े हैं ताकि उनकी खरी खोटी तेरे तक ना पहुंचे। कभी अधूरापन या अकेलापन लगे, ये सारा परिवार ही तो तुझे पूरा करेगा। क्यों बहू रानी हो? हाबी, डॉक्टर्स की मदद से आज कितने ऑप्शंस हैं उम्मीद ना छोड़ने की। आप देर से ही सही पर माँ जरूर बनोगे। दवाइयों और डॉक्टर की मदद से मेरी सहेली अब जाके माँ बन पाई है, तो हमारी मीना क्यों नहीं बन पाएगी, है ना?